नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में। आज पर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। आलू ले लिए छील के और टमाटर, तो इन्हें ले लिए मैंने। टमाटर को अलग पानी डाल दूंगी, धो लूंगी अच्छे से। तो जी आलू टमाटर मैंने ले लिए और इन्हें अलग काटूंगी, इनका पानी निकाल दूँ, पहले धो लूंगी। तो इन्हें काट लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए, तो बहुत पतले काटूंगी ऐसे लंबे लंबे, तो मुझे ऐसे काटना है। तो इसी तरीके से मैं सारे आलू काट लूंगी पतले। तो दोस्तों तेल गरम हो गया बिल्कुल अच्छे से, देख सकते हैं। तो मैं अब डालूंगी इसी में जीरा, तो आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। थोड़ी सी मेथी के दाने डालूंगी दो चम, जिसे चटकने दूंगी। तो जो मसाले ले रही हूँ मैं टमाटर में, बाद में डालूंगी। तो दोस्तों राई मेथी जीरा चटक गए अच्छे से, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। इसी में ले लिए मैंने धनिया मिर्ची हल्दी। तो टमाटर के साथ में तो मैं इन्हें अच्छे से पका लूंगी। तो थोड़ा सा डालूंगी पानी मसाले के लिए। तो इसे पकाऊंगी ढक के, बीच बीच में चलाते रहूंगी। तो अब डाल रही हूँ मैं नमक जरूरत के हिसाब से। ये देखिए, तो मैं नमक डाल, तो दोस्तों मिला दिए मैंने बहुत अच्छे से, मसाले भुज गए। तो अब डालूंगी आलू। ये देखिए मैंने आलू डाल दिए। तो इन्हें अब बहुत अच्छे से चलाते हुए पकाना है, पानी नहीं डालना, बिल्कुल सूखे पकाना है। चलो ढक देते हैं, ढक के पका लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गई बिल्कुल सूखी भुजिया। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बना के तैयार कर ली दोस्तों। आप गैस को करूँगी बंद, तो गैस को कर दिया बंद मैंने। और सब्जी आलू की सूखी भुजिया बन के तैयार है इतनी इस तरीके से। तो दोस्तों बन गई बढ़िया सी सब्जी, ये देखिए बहुत अच्छी सी। तो हमने सूखी सब्जी बना ली आलू की भुजिया, तो ये बन गई आलू की भुजिया बहुत बढ़िया सी इस तरीके से। तो अब हमने गैस को कर दिया बंद, तो गैस को कर दिया बंद, तो गैस को देख सकते हैं दोस्तों आप सब्जी। तो बन गई दोस्तों सब्जी, अब वो देख सकते हैं बहुत अच्छे से बन गई। तो अब लगाएंगे थाली, तो अब थाली लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।